सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत हम करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एस के एक्सपर्ट पे। दोस्तों अभी आपने व्हाट्सअप स्टेटस का वीडियो देखा है, अगर आपको भी दोस्तों इसी तरह का व्हाट्सअप स्टेटस का वीडियो बनाना है तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों आप एबी प्लेयर एप्लीकेशन से इस तरह का व्हाट्सअप स्टेटस का वीडियो कैसे बना सकते हो सिंपली दोस्तों एक मिनट के अंदर में। सो गाइज, अगर आपको भी इसी तरह का वीडियो बनाना है तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को करना होगा एबी प्लेयर एप्लीकेशन को डाउनलोड, और उसके बाद में दोस्तों करना होगा एक टेम्पलेट को डाउनलोड। और दोस्तों आपके पास में इमेज है तो दोस्तों इमेज के साथ अपना बना सकते हो, नहीं तो दोस्तों मैंने जो डिस्क्रिप्शन में इमेज दिया है तो इस साथ में उसके साथ भी बना सकते हो। सो गाइस, इस तरह का स्टेटस बनाने के लिए चलिए मैं आपको मोबाइल को होम स्क्रीन पर ले आता हूं, आप बताता हूं कैसे बनाएंगे। सो फ्रेंड्स चलिए, सो फ्रेंड्स इस तरह का वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, एबी प्लेयर एप्लीकेशन को दोस्तों डाउनलोड कर लेना है। तो एबी प्लेयर एप्लीकेशन का लिंक दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप सिंपली जाकर दोस्तों इस एप्लीकेशन को दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं ये एबी प्लेयर है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों सिंपली आपको इस एबी प्लेयर एप्लीकेशन को दोस्तों ओपन कर लेना है। सो फ्रेंड्स, एबी प्लेयर एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में आपको ओपन कर लेना है। जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पर दोस्तों एग्री करना है, तो सिंपली आई एग्री पर क्लिक कर दीजिएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों थ्री डॉट यहाँ पे है, इस थ्री डॉट पर क्लिक करना है और लाइब्रेरी के ऑप्शन पर चले जाना है। और दोस्तों यहाँ से आपको अपना कोई गाना सेलेक्ट कर लेना है, जिस गाने के साथ में दोस्तों आप अपना मतलब कि वीडियो बनाना चाहते हो। तो सो फ्रेंड्स, जो भी फोल्डर में आपका गाना रहेगा सिंपली आप जाकर दोस्तों वहाँ से उस गाने को सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों सेलेक्ट करने के बाद में आपको दोस्तों यहां पे वेसलाइजर जो दोस्तों लिखा हुआ आ रहा है इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। दोस्तों जो भी गाना सेलेक्ट करेंगे उसके बाद वेसलाइजर पे क्लिक कर देना है। सो फ्रेंड्स, यहां पर देख सकते हैं दोस्तों मैं यहां पर बहुत सारा गाना दोस्तों कोई भी सेलेक्ट कर सकता हूं, ठीक है। तो सिंपली यहां पर वेसलाइजर पर सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, यहां पर दोस्तों इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन पर दोस्तों जैसे आप क्लिक कर दोगे उसके बाद में आपको एक ऑप्शन यहां पर मिल जाएगा लॉड फॉर्म फाइल का। सो फ्रेंड्स, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। यहां पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको सिंपली अपने फाइल मैनेजर में चले जाना है। सो सिंपली दोस्तों मैं अपने फाइल मैनेजर में यहां पे आ जाता हूं, और फाइल मैनेजर में आने के बाद में दोस्तों मुझे डाउनलोड के ऑप्शन में जाना है। तो सिंपली दोस्तों आप लोग भी दोस्तों डाउनलोड के ऑप्शन में चले जाइएगा। और दोस्तों मैंने एक टेम्पलेट का लिंक दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस टेम्पलेट को दोस्तों डाउनलोड कर लीजिएगा, उसी से हम बनाएंगे अपना वीडियो। तो सिंपली दोस्तों उसका नाम है दोस्तों वेसुलाइजर 34, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों ये टेम्पलेट है। सिंपली इस टेम्पलेट को दोस्तों मैं क्लिक कर लूँगा, और यहाँ पर दोस्तों ओके का जो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ओके का ऑप्शन, इसको मैं क्लिक कर दूँगा। जैसे यहाँ पर दोस्तों क्लिक कर देंगे तो ये टेम्पलेट आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं ये टेम्पलेट आ जाएगा आपके पास में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस टेम्पलेट पर जैसे आप क्लिक कर दोगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब दोस्तों अब मैं अपने मोबाइल को दोस्तों रूट कर लेता हूँ, ठीक है, ऐसे करके दोस्तों घुमा लेते हैं। सो फ्रेंड्स, घुमाने के सॉरी सो फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है, आप जब अपने फ़ोन को रूट कर लोगे। और दोस्तों अपना गाना बंद कर लीजिएगा, उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करनी है, पेंसिल के आइकन पर क्लिक कर देना है। जैसा आप पेंसिल के आइकन पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको फर्स्ट नंबर पर मिल जाएगा बैकग्राउंड इमेज। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं बैकग्राउंड इमेज लिखा हुआ है, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर फिर एक इमेज लिखा हुआ है, देख सकते हैं राइट साइड में, इस इमेज पर क्लिक कर देना है। कस्टम इमेज पर फिर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है, इस कस्टम इमेज पर क्लिक करेंगे उसके बाद में आपको नीचे स्लाइड करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों पिक इमेज, सॉरी दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आ रहा है लिखा हुआ पिक इमेज, सिंपली आपको दोस्तों यहाँ पर पिक इमेज पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे पिक इमेज पर जैसे दोस्तों आप क्लिक कर दोगे उसके बाद में दोस्तों आपको इमेज को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से दोस्तों मैंने इस इमेज को सेलेक्ट कर लिया, ये इमेज दोस्तों मैंने अभी बनाया है। और दोस्तों आपको दोस्तों ये इमेज चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये इमेज भी मिल जाएगा, नहीं तो दोस्तों आप कोई भी इमेज लगा सकते हो। उसके बाद में दोस्तों आपको ऊपर जनरल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। जनरल का ऑप्शन क्लिक करने के बाद में आपको विजुलाइजर जो है दोस्तों इसे इनेबल कर देना है। जैसे इनेबल कर दोगे आपका फोटो दोस्तों कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। अब आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, अपने वीडियो को दोस्तों आप प्ले करके चला सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कितना अच्छा दोस्तों ये व्हाट्सअप स्टेटस का वीडियो लग रहा है। अब आपको क्या करना है, इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने से पहले दोस्तों आपको फिर एक बार पेन के आइकन पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ नाम आ रहा है विजय
परमानेंट टिप्स जो भी है दोस्तों, आपको अपना नाम लिखना है यहाँ पे। यहाँ पे अपना नाम लिखने के लिए नीचे आ जाना है, यहाँ पे सबसे नीचे लिखा हुआ है दोस्तों अनूप एडिटिंग, दिखे यहाँ पे टैक्स का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर देना है आपको इस टैक्स के ऑप्शन पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में अपेयरेंस नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ से दोस्तों फिर आपको विजय प्रेमर जो टिप्स है इस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर दोस्त इसे दोस्तों रिमूव कर देना है, यहाँ से हटा के आपको अपना नाम लिख देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपना यूट्यूब चैनल का नाम टेक्निकल एसके एक्सपर्ट, और डन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे डन पे क्लिक कर दूंगा यहाँ से मैं बैक हो जाऊँगा दोस्तों। बैक होने के बाद में नीचे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नाम मेरा लिखा हुआ आ रहा है। सिंपली इसे अब मैं प्ले करके आपको एक बार दिखाता हूँ, बन चुका है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आपको लिखा हुआ है देखिए पेन के बगल में, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको डाउनलोड के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर चॉइस पार्ट पे क्लिक करके यहाँ पर दोस्तों आप अपने हिसाब से साइज सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे 60 कर लेता हूँ। यहाँ से दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, नीचे आ जाना एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर दोस्तों, सिंपली एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। 108